पर कार्यकर्ताओं का मंडली सम्मेलन है, वह कार्यकर्ता जो संकल्पित समर्पित हैं और संगठित हैं उन कार्यकर्ताओं का आज के दिन में वर्णन है कि कार्यकर्ता किसी पार्टी के रीढ़ धरते हैं, खड़ा बड़ा करते हैं, कार्यकर्ता प्राण होते हैं और प्रण करते हैं कि हमें ये काम करना है। तो निषाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रण रखा, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि हमारी जो सेना है वो मोदी जी के साथ खड़ी है और फिर पूरे देश से राम राज खत्म किया जाएगा और फिर राम राज। देखिए, सभी बेटे आईएएस नहीं हो जाते हैं, एकाध को बहकाया जाता, कुछ उसमें अखाड़े के पहलवान होते हैं, कुछ भाड़े के पहलवान होते हैं। तो कांग्रेस ने कुछ भाड़े के पहलवान रख रखा है और उनसे अपने हिसाब से उसकी आदत रही है। अब कांग्रेस समाप्त पार्टी हो रही है, इतिहास के पन्नों में जा रही है और पन्ने में जाकर कुछ गुमराह करके अपनी काली करतूत को कांग्रेस छुपा रही है कि जो मुकुल वासनी से मेरी फाइल गायब करेगी। 70 साल मछुआरों के लिए रुपया नहीं दिया, 70 साल में किसी मछुआरे के बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं बनने दिया, 70 साल में कहीं भी हमारे किसी भी विभाग में कहीं नहीं खोला, और नहीं उर्दू अनुवादक भर्ती कर दिया हमारे विभाग में। क्या मछली उर्दू पढ़ती है, निषाद उर्दू पढ़ता का? ये तो कांग्रेस और सपा बसपा की काली करतूत है। आरक्षण के मुद्दे पर जहाँ तक सवाल है, आज निर्णायक दौर में है, कांग्रेस ने फाइल गायब करा दी, उनके खिलाफ मुकदमा मुकुल वासनी शैलजा के खिलाफ बताने जाके शैलजा और मुकुल वासनी के खिलाफ जाके धरना देना असली निशान है। 9 साल बेमिसाल है, तो अब पता चला है, तभी तो जब मैं गया हूँ अंदर गया हूँ तभी तो फाइल ढूंढे, तभी तो मुकदमा हुआ। इनके 70 साल में तो कुछ हुआ नहीं, मोदी आए तभी इनके खिलाफ मुकदमा हुआ और उस पर हो रहा है। और निर्णायक दौर में है कि माननीय योगी जी ने 18 दिसंबर 2021 को मैंने पत्र दिया, 20 दिसंबर 2021 को उन्होंने पत्र आरजीआई को भेजा। पहली 70 साल में मैंने लड़ाई जीता है कि आरजीआई ने सबसे पहले एक्सेप्ट किया कि नहीं, केवट मल्ला मझवार हैं, कश्यप कहार धीमर रहे हैं, ये हमारे यहाँ प्रिंटेड है, इनकी गिनती होती थी, इनका नाम उपजातियों में इसका पूरा है। ये इनकी उपजातियाँ पिछड़ी में पड़ गई हैं, ये सामाजिक न्याय मंत्रालय का है और सामाजिक न्याय मंत्री ने स्पष्ट किया। 70 साल अगर कांग्रेस ने खाया है तो जब तक इनको हम लोग खत्म नहीं करेंगे, जो आरक्षण के विरोधी हैं, कांग्रेस विरोधी है, सपा बसपा विरोधी है, ये सारे लोग लटकू राम बना के हमारे लोगों को गुमराह करके, यही नौजवान है ना आरक्षण, हमारे अलावा कौन उनका वकील है? वकील तो रखे थे भाड़े के पहलवान, जितने वकील गए वो भाड़े के पहलवान थे, भाड़ा लिए खत्म। हम लोग अखाड़े के पहलवान पैदा कर रहे हैं, मोदी जी योगी मैं आज के समाज मेरे साथ है। आरक्षण के मुद्दे को सारे ज्ञान हमने दिया है, एविडेंस हमने दिया है, अगर हमने पत्र दिया है तो प्रमाण पत्र भी मैं दिलाऊंगा। और सिस्टम से हमें बेईमान वाला नहीं चाहिए, हमें संविधान वाला चाहिए, और संविधान वाला लेने के लिए संविधान जहाँ लागू होता है वहाँ जाना पड़ेगा। जिस तरीके से हाथी वाले गए संविधान लागू होगा, उसी तरीके से जय निषाद राज वाले भी जाएंगे और लागू हो जाएगा। और सभी युवाओं से मैं अपील करता हूं, कश्यप समाज के और मछुआ समुदाय के, आवें और जय निषाद राज का झंडा उठाएं और लोकसभा में पहुंचा के अपना संविधान लागू करें। लव जिहाद और लैंड जिहाद, ये दोनों उनका एक पेशा है और हमारी सरकार एकदम सख्त इसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है और ऐसे जितने भी दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। अब कानून बनने जा रहा है कि इसमें आज कड़े से कड़े कानून बनाए इस तरीके का, सही देश अब इजाजत नहीं, भारत भारतीयों का है, भारतीय सभ्यता का है, इस भारत के कानून को जो मानेगा वो यहाँ। नेक द्वारा AAA सर्टिफाइड वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन श्री राम ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, एडमिशन के लिए संपर्क करें